सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। उसके बाद उन्होंने भवनापुर ब्लॉक परिसर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री बांटी। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह व विधायक श्याम घनी राही व विनय वर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने माना बेमौसम जिले में बाढ़ की स्थिति बनी है। उन्होंने कहा, सिद्धार्थनगर जिले में 200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है तथा फसलों का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी बाढ़ पीड़ित भूखा ना सोए पर इस बात को गंभीरता से लिया जाए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को भी चारा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साबुन भी उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक जिले के प्रशासन को निर्देशित किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पशुओं को भी प्रतिदिन 5 किलो चारा की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए भी पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है और ये भी व्यवस्था की गई है राहत कार्य के लिए कि अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए किसी भी व्यक्ति को या परिवार को अन्य सहायता देने के साथ साथ अगर दुर्भाग्य से किसी की मौत बाढ़ के कारण या किसी आपदा के कारण होती है तो उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, आर्थिक सहायता, अंग भंग होने पर उस परिवार को सहायता देने की व्यवस्था जो लगभग अब 60,000 से लेकर के 2.5 लाख तक की है, इसे भी हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं उनके लिए भी सहायता का प्रावधान किया गया है। जिनका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, पहले उन्हें हम केवल जो पूरी तरह घर बह गया हो उसे ही हम पैसा दे पाते थे या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करा देते थे। अब हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिनके घर भी पूरी तरह समाप्त हुए हैं उन्हें 1,20,000 रुपये हम मुख्यमंत्री आवास की तर्ज पर आवास बनाने के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा कृषि भूमि पर भी फसल आप देख रहे होंगे, खड़ी फसल काफी बड़ी संख्या में खराब हुई है, उसका सर्वे का आदेश दिया गया है और कृषि भूमि पर 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर इसको हम देने की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। जिससे देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।